एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह एक पत्थरीय अवशेष होता है जो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व सोलर सिस्टम बनने के दौरान बना था। यह क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु कभी कभार एस्टेरॉइड किसी कारणवश अपने रास्ते से भटक कर पृथ्वी में आ गिरते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक साल करीब 6,100 उल्कापिंड धरती में आ गिरते हैं या औसतन प्रतिदिन 17 उल्कापिंड धरती में आ गिरते हैं, जो इतने बड़े होते हैं कि वायुमंडल में इनका अधिकांश हिस्सा जलने के बाद में ये धरती में आ गिरते हैं। हाल ही में एक दुर्लभ उल्कापिंड अमेरिकी परिवार के एक घर में गिरा है। जब मकान मालिक को उनके घर में ये दुर्लभ उल्कापिंड मिला तब वो हल्का सा गर्म था। मकान के एक सदस्य सुजी कॉफ ने बताया, जब उल्कापिंड गिरा तो उन्हें ऐसा जैसा कि मानो घर में किसी ने पत्थर फेंका हो। ये दुर्लभ उल्कापिंड सोमवार 8 मई को घर की छत को छेद करता हुआ मजबूत लकड़ी के फर्श पर गिरा था और फिर छिटक कर एक कमरे में पहुंच गया था। घर के लोगों को यह काले रंग का और आलू के आकार का पत्थर एक कोने में मिला था। इससे किसी को कोई चोट नहीं पहुंची और घर को भी कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा है। कॉलेज ऑफ न्यू जर्सी के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि यह पत्थर करीब 2.2 पाउंड वजन एक दुर्लभ स्टोनी कॉन्ड्राइट उल्कापिंड है। वैज्ञानिकों ने इस पत्थर का विजुअल निरीक्षण किया, घनत्व का माप किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीरों को भी स्कैन किया।